मैन ऑफ द मैच राज बावा ने 5 विकेट लेकर 35 रन बनाए। ये बात आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया, जब भारत ने इस मुकाबले को बड़े आसानी से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच राज बावा 5 विकेट लेकर 35 रन बनाते हैं, ऑलराउंडर खेल दिखाते हैं। हरनो सिंह ने 50 रन बनाए, निशांत सिंधु ने 50 के दम पर। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। ये 5वां मौका है जब भारत ने खिताब अपने नाम किया है। वो टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भी है, उसने सन 2002, 2008, 2012 और 18 में भी ट्रॉफी अपने नाम की है। सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 44 ओवरों में सभी विकेट खोकर 189 रन बनाए। जवाब में भारत ने 48वें ओवर में 6 विकेट खोकर 195 रन अपने नाम कर लिए। इस तरह से भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीत लिया जो इंग्लैंड की एक्सेप्टेशन से बाहर था। इंग्लैंड को लग ये रहा था कि हम भारत को बड़े आसानी से हरा देंगे। इंग्लैंड के जो दिग्गज खिलाड़ी थे जो भारत को हराने की बात कर रहे थे, इंग्लैंड को असली टीम बता रहे थे, अब वो कहां मुंह छुपाए बैठे हैं और आखिर उनके सुर कैसे बदल गए हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर, अंडर 19 में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अब आइए जानते हैं आखिर इंग्लैंड के सुर कैसे बदल गए, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं इस मुकाबले में क्या हुआ और क्या नहीं। अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अपने नाम कर लिया है। ये 5वीं बार मौका आया है जब भारत ने अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। साल 2020 में फाइनल में बांग्लादेश से हार मिली थी, लेकिन इस बार यश ढुल की कप्तानी में टीम ने बिना कोई मैच हारे फाइनल जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। इस फाइनल की ट्रॉफी जीतने से पहले इंग्लैंड के कप्तान ने क्या कहा, भारतीय कप्तान ने क्या कहा, पहले तो आइए जानते और उसके बाद जानेंगे माइकल वॉन के शोर कैसे बदल गए हैं और अब वो क्या कह रहे हैं। राज बावा ने भी इस ट्रॉफी को उठाने के बाद एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने इंडिया के लिए इतना बड़ा काम किया है, इस पर हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी टीम का एफर्ट था जिस वजह से हम काम कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मैच में हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि इंग्लैंड को कम स्कोर पर रोका जाए और जिस तरह से इंग्लैंड ने वापस गेम में कमबैक किया, वाकई में वो उनकी तारीफ के काबिल था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा टारगेट फिक्स था, हमारा माइंडसेट फिक्स था कि हम इस मुकाबले को हर हाल में खत्म करना है और इसीलिए हम इस मुकाबले को जीत पाए हैं। लेकिन वहीं इंग्लैंड के कप्तान ने क्या कहा, उनके रिएक्शंस तो वाकई में सदमे में वाले हैं। जो इंग्लैंड को लग ये रहा था कि वो बड़े आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगा, भारत को नजरअंदाज कर बैठा इंग्लैंड, क्योंकि उनके दिग्गज खिलाड़ी उनको कुछ और ही बता रहे थे। जब पाला पड़ा भारत से तो उन्हें पता चला कि भारतीय टीम है क्या। उन्होंने कहा ये भारतीय टीम वाकई में एक बहुत बड़ी और अलग टीम है। हमने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है, लेकिन अब हम जो भी मुकाबला हारे हैं वो भारत के अगेंस्ट आ रहे हैं, यानी कि भारतीय टीम को हराना अब लगभग नामुमकिन है। ये लग रहा था कि जो हमने टारगेट 190 रन का दिया है हम उसे डिफीट कर पाएंगे, हम उसे बचा पाएंगे, लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरह की बल्लेबाजी करी और उनके खिलाड़ियों ने जिस तरह से सही समय पर सही तरीके से बैटिंग की है, ये वाकई में काबिले तारीफ है और ये भारतीय टीम के ही खिलाड़ी कर सकते हैं, भारतीय टीम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड कप का जो अब तक का सफर रहा है हमारे लिए बेस्ट रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन जी हाँ, एक बहुत बड़ी गलती हम भारत के खिलाफ ही कर गए हैं, जहां हमें मुकाबला जीतना चाहिए था लेकिन भारतीय टीम ने हमें ये मुकाबला किसी भी हाल में नहीं जीतने दिया। भारत के अंदर टैलेंट है और उस टैलेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, भारत के किसी भी खिलाड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह से इंग्लैंड के कप्तान ने रिएक्शंस दिया है इस मुकाबले से पहले, जहां माइकल वॉन इंग्लैंड को असली टीम बता रहे थे और उन्हें ये बता रहे थे कि भारत ज्यादा जश्न न मनाए ऑस्ट्रेलिया को हराने का, क्योंकि असली टीम जो इंग्लैंड है उसका पाला अब भारत से पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं भारत की इस बड़ी जीत के बाद माइकल वॉन के सुर बदल गए हैं। लगातार ट्वीट के बाद ट्वीट पे उन्होंने माइकल वॉन ने भारत की तारीफ करी है। उन्होंने कहा टीम इंडिया ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है, जहां वो इंग्लैंड को असली टीम बता रहे थे अब वो कह रहे हैं कि भारत ने अच्छा खेल दिखाया है। राज बावा ने जिस तरह का बैटिंग करी एंड में आकर ये टीम इंडिया के लिए ऑलराउंडर बनेगा और बड़ा ऑलराउंडर बनेगा। कहीं ना कहीं यश ढुल की कप्तानी भी करते हैं तो वो भी शानदार दिखते हैं। टीम इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा कहना है इंग्लैंड के माइकल वॉन का, लेकिन ऐसा कहलवाने के लिए टीम इंडिया ने फाइनल जीता है। टीम इंडिया की जीत के साथ ही माइकल वॉन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के सुर बदल चुके हैं, वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत को फैंटास्टिक टीम बता रहे हैं और भारत का फ्यूचर ब्राइट बता रहे हैं, और यही वो माइकल वॉन है जो भारत की खिंचाई के लिए जाने जाते हैं। लेकिन खैर, माइकल वॉन के मुंह से ये सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।